ऑल ऑफ यू, आज है छोटी होली एंड मैं अभी से कर रही हूँ व्लॉग स्टार्ट। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली रियांश बेबी, दिख रही देखो, हैप्पी होली रियांश, हाउ आर यू, हैप्पी होली रियांश, हैप्पी होली, ये रियांश ने होली खेली आज पानी से, खेली और खेलेंगे। हैप्पी होली, हैप्पी होली। सो हमारी होली की तैयारियां हो चुकी है फाइनली। कल हम लोग सोए थे 3:30-4 बजे सारे तैयारियां करके। एंड आज सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं किया क्योंकि ऐसे थोड़े थोड़े से काम भी चल रहे थे, मेरा कुछ ब्लॉग एडिट करना था, वो सब। अभी फिलहाल बज रहे 8:15 एंड हमने लंच में आज खाया था आलू बैगन टमाटर, खीरे का रायता एंड रोटी। और अभी हमने क्या क्या तैयारी कर ली वो मैं आपको दिखाती हूँ, इसलिए मैंने अपना व्लॉग फटाफट से स्टार्ट किया है। ये हो रहा है पानी गरम, इसमें मैंने ऐड किया थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हींग, क्योंकि इसमें मैं भल्ले डिप करने वाली हूँ। हींग का ना फ्लेवर जो भल्ले में एब्जॉर्ब हो जाएगा वो बहुत ही बढ़िया लगता है। और यहाँ है दही, दही भल्ले के लिए मैंने फेंट के रख दिया है। इसमें है बहुत ही ज्यादा टेस्टी वाली फ्रूट क्रीम, मैंने रायता नहीं बनाया है, फ्रूट क्रीम बनाई है, बहुत डिलीशियस दिख रही है। सो या फ्रूट क्रीम है एंड ये मैंने केक में निकाल दिया ताकि फिनिश हो जाए। ये है मीठी वाली सौंठ एंड ये हरी चटनी और ये है दही भल्ले के लिए चटनी। इसमें मैंने ऐड किया है धनिया, पुदीना, जीरा, नींबू, नमक, ठीक है। इसमें है धनिया, पुदीना और नींबू, नमक और अदरक। एंड यहाँ मैंने गोलगप्पे का पानी भी बना के रख दिया जो बहुत टेम्पटिंग दिख रहा है। तो हमारी तो सारी तैयारियां कुछ इस तरीके से चल रही हैं। बाकी हम आपको अपने घर की खास जगह लेके चलते हैं अभी, जो कल के ब्लॉग में तो बनी नहीं थी वो जगह, आज ही बनाई गई है, तो हम आपको लेके चलते हैं। सुबह से हम उन्हीं सब चीजों में एक्चुअली में थोड़ा सा बिजी थे। मैं एक बार ना पानी थोड़ा सा चढ़ा दूं एंड इसमें भल्ले डाल दूं, उसके बाद फिर हम चलते हैं। ये भल्ले और बहुत ही टेस्टी भल्ले बने थे, कर देती हूँ लाइक अच्छे खासे ऐड कर देती हूँ जितने कर सकते हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 इज इनफ। तो मैंने ना इसको डिप कर दिया है एंड इसको फटाफट से कवर कर देते हैं जल्दी वाला। ये देखो आधा हो गया हमारा डिब्बा आज ही। मेरे पास ना दाल और पीसी रखी है तो मैं और दही भल्ले बना लूंगी। और अभी मैं लेके चलती हूँ आपको अपने घर के खजाने पे, खजाने बजा रही हूँ मैं। तो खजाना हमने बनाया है इस वाले रूम में। खजाना बोले तो एक टेबल जो वरुण के ऑफिस की है, उस पर हमने सब कुछ अपना खाने पीने का ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो ये तो देखो आटे वाले गोलगप्पे भरे हुए हैं, ये 100 गोलगप्पे आटे वाले, सूजी के 30 गोलगप्पे, इसमें बहुत डिलीशियस गुजिया, इसमें है पापड़ी और इसमें पूरा स्नैक्स भरा पड़ा है, नाश्ता, ये सारे कलरफुल वाले पापड़ हैं और ये मटर बेस के ऐसे रखे हैं। एंड नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये देखो हमारा लेज है, नटखट है, टेढ़ा मेढ़ा है और ये देखो भाई, मतलब इतना स्नैक्स हमने भर रखा है ना, हम बहुत इस वाली होली के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे रियांश की वजह से। बट रियांश कुछ नहीं खाएगा, सब कुछ हम खाएंगे। तो ये तो देखो थम्सअप हो गई, नहीं थम्सअप हो गई ये वाली, और ये कोक हो गई, फ्रूटी हो गई, और ये ठंडाई हो गई, एंड ये है वो जो मैं लेकर आई थी ना, वरुण ने तब नहीं पिया था, अभी तक रखा हुआ है हमारा। ये जामुन मसाला शिकंजी और व्हाट इज़ दिस, मुझे ये नहीं पता क्या है, जीरा डाइजेस्टिव लेमन जूस कुछ है ये, एंड ये भी पता नहीं क्या है, मैंने ये कभी नहीं पिया। ये है स्पोर्ट्स ड्रिंक जो भी है, मतलब हमारे पास बहुत वैरायटी की, फ्रूटी और रियल जूस भी है जो अंदर रखा गया, मतलब हमारे पास बहुत वैरायटी की ड्रिंक्स हैं, पॉपकॉर्न्स हैं, चिप्स हैं एंड बाकी ये तो पूरा स्टफ है ही है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपने गुजिया। गुजिया इतनी ज्यादा टेस्टी बनी है, पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था, मेरे को आइडिया नहीं था कि गुजिया को सेकते कैसे हैं, तो मैंने ना थोड़ा मीडियम फ्लेम पे उन्हें ज्यादा क्रिस्पी करने के लिए सेका, बट इस बार वो इतना क्रिस्पी हो गए। इस बार जो गुजिया बनी है आई मीन वाओ, उनकी पापड़ी परफेक्ट है, उसकी फिलिंग परफेक्ट है और जो सिक्के ना वो भी परफेक्ट है, हमारी गुजिया खत्म भी हो गई है काफी ज्यादा। तो मैं आपको ना दिखाई देती हूँ गुजिया कुछ ना, मैंने आपको ऐसा कल भी दिखाई थी,
ज्यादा हमने बनाई भी नहीं है और जो बनाई है ना वो आधी खत्म हो चुकी है। इस टाइप के कलर की मैंने सेकी है, बबल्स भी नहीं आए बहुत ज्यादा और मीठा एकदम परफेक्ट है। सॉफ्ट बहुत है, गुजिया एंड पापड़ी भी अच्छी बनी है और ये पूरा गोलगप्पे से भरा हुआ है। तो आप समझ रहे हो हमारी कितनी तगड़ी, आप समझ रहे हो कितनी तगड़ी प्लानिंग चल रही है हमारी। सच बता गुजिया कैसी है, सच बता। बढ़िया है ना, रात में 3 बजे तक जो मेहनत हम लोगों ने किया ना रंग लाई, अब बस दही वाले और टेस्टी हो, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं बड़े और मज़ा आ जाएगा। चटनी और सौंठ बहुत टेस्टी बनी है, मज़ा ही आ जाएगा यार। अब हम 8 बज गए, अब हमारा प्लान है पूरे याशी करने का 3 दिन। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाना है, पीना है और मज़े मारने हैं, दैट्स इट। इतने ज्यादा टेस्टी गोलगप्पे थे लिटरली यार, क्या बात है। गोलगप्पे नहीं दही भल्ले थे, दही भल्ले पापड़ी चाट मजा आ गया, बहुत टेस्टी। इस बार क्या हुआ है कि हमारा जितनी भी चीजें बनी है ना वो अमेजिंगली टेस्टी बनी है। मेरे कैसे लगे तुझे दही भल्ले? बहुत टेस्टी ना, बहुत टेस्टी, बहुत स्पॉन्जी, बहुत फ्लफी, मतलब मुँह में जाते ना मेल्ट हो रहे थे। पापड़ी भी बढ़िया। तो अभी वरुण गए हैं, एक्चुअली हम लोग कल प्लान कर रहे थे कि राजमा चावल बनाने के लिए होली खेल के आएंगे, तो राजमा मुझे याद ही नहीं था कि नहीं था, तो वरुण गए राजमा लेने के लिए 8:30 बजे और हम लोग चलते हैं नीचे। चल चले, थोड़ी देर में चलते हैं। कितनी देर में? 10 मिनट में। 10 मिनट चल लेंगे एग्जैक्ट, क्योंकि फिर होली का दहन होगा तो हम 10 मिनट। मैं तो लेती हूँ रिहाश को, हमने सुला दिया है, मेरा गेम खेल रहा है और फिर हम लोग 10 मिनट में पहुँचेंगे नीचे होली दहन के लिए, तभी मैं स्टार्ट करूँगी अपना वाला व्लॉग। सारा डांस किया हम लोगों ने और अभी ना होली को दहन दे दिया गया है, तो बस वहीं चलते हैं फटाफट से। होली का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। हाँ, तो हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है, ये लोग जॉब भूल रहे हैं और मैं ऑन कैमरा, मैंने एक बात है जो इन लोगों से कही नहीं क्योंकि कोई मेरे पास प्रूफ नहीं था। अब मैं आती हूँ, इंदर आ जाओ दोनों, ये
ये और ये छुटका, ये तीनों आपस में होली मिले हैं, जो दिया फोटो खिंचाया मेरे संग, एक भी होली ने मिला है और एक ने भी जो नहीं दिए। नहीं, ये आप पता है फोटो खिंचाए हैं तीनों ने साथ खड़े होके गले मिल मिल के, और मुझे फोटोग्राफर बना दिया, एक ने भी जो नहीं दिया, एक ने भी होली विश नहीं किया, अब कुछ नहीं है, वैलिड नहीं है, इसलिए मैंने ऑन कैमरा ये बात बोली आज। आज इन तीनों ने मुझे हर्ट किया है, इसको तो मैं माफ कर सकती हूँ, पर इन दोनों को नहीं, नहीं। ये दोनों माफी के काबिल नहीं है अभी, जो ये दोनों माफी के काबिल नहीं है बहुत। और पता है मिल मिल के फोटो खिंचा रहे थे, गले मिल मिल के पोर्ट्रेट में, चलो तुम चलो तुम कुछ रहो, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, एक एक जो दे रहा था ना, हैप्पी होली, एक एक जो दिया, एक एक बंच। तो अभी हम लोग ना एक जगह और यहाँ पे होली का दहन हो रहा है, हमारी सोसाइटी में दो जगह हो रहा है, तो हम अभी दूसरी जगह जा रहे हैं और थोड़ा सा कलर भी लग गया है, हल्का सा गुलाल, दूसरी जगह जा रहे हैं। रियाज इंजॉय कर रहा है पूरी तरीके से, हम लोग रुक जाओ, होली खेल के आ गए, मुझे तो कुछ कलर नहीं लगा है, मैं बस फेस वॉश करूंगी, इससे देखो इसके बाल, इसने झाड़ लिया हुआ तो ये देखो, इस साइड देखो, पता नहीं कितना दिखा, रुको इस साइड देखो, इसके बाल इधर देखा, फेस उधर का, ये देखो इसके बालों में ये फड़ा पड़ा, अभी तो खेला नहीं है मैंने, अभी तो खेला नहीं, ऐसे इसको देखो, सिंदूर अपनी मांग सुहागन हो ये देखो पूरे कलर में, ओपो। अब तुम दोनों क्या करोगे, नहाओगे क्या करोगे? मैं तो बिल्कुल सॉर्टेड हूँ, मेरे सिर्फ और मेरे कुछ नहीं है ना कहीं, सिर्फ मेरे से गालों पे लगाओ, और लगाना मत, नो, सिर्फ कल खेल, सही में निकाल दो गुलाल जरा, क्या जरा कसर पूरी की, चढ़ रहे हैं दोनों, तुम दोनों अकेले अकेले खेले थे ना होली, होली सेल्फी टाइम, तुम दोनों अकेले अकेले होली खेल रहे थे ना, इसलिए तुम दोनों के साथ ऐसा हुआ। आ जा रात का 12:45 हो रहे हैं और हाँ मैं और मैंने चेंज वेंज कर लिया है, चेंज तो हम लोगों ने तभी कर लिया था, आई थिंक मैंने बहुत देर से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया है, अभी 12:45 हो रहा है, वहाँ पर रियांश की बॉटल वॉश हो रही है, दूसरा मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था, फिर रियांश रोने लगा, वो अभी देखना इतना खेल रहा था, इतना खेल रहा था कि क्या बताओ, तो उसके साथ खेल वेल रहे थे हम लोग, बातें बातें कर रहे थे, हम तीनों यहाँ आपस में मज़े मस्ती कर रहे थे, वरुण अभी सो गए हैं, रियांश सो गया, उसको सुला दिया है, क्रैंकी हो रहा था, और बॉटल वॉश हो रही है, पानी गर्म हो रहा है, एंड या अभी मैंने मशीन भी लगा दिया, अभी जस्ट मशीन लगाई है, क्योंकि आज के कुछ कपड़े थे, दो चार कपड़े कल के भी थे, और कल फिर बोल लिया तो मैं खेल नहीं पाऊंगी, कैंडी धो नहीं पाऊंगी, फिर कल इकट्ठे हो जाएंगे, तो बहुत सारे जब कपड़े जाते ना तो बहुत हैक्टिक हो जाता है, इसलिए मैंने फटाफट से एक ही राउंड की मशीन लगनी थी बस, तो मशीन लगा दी, कर्टिन बाहर बंद हो गया था, तो मैं गेट खोल के अंदर कर रहा हूँ, तो एक ही राउंड की मशीन लगनी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वही लगा दूँगी, एंड आपको मेघुल के खेलने की आवाज़ आ रही होगी, शायद पबजी खेल रहा है, उसी में ऐसी आवाज़ आती थी पहले तो, और सारे सामान ना फ्रिज में सेट किया, लिटरली जब फेस्टिवल्स होते हैं ना तब मुझे रियलाइज़ होता है कि यार फ्रिज छोटा है, बाकी तो बढ़िया है अपना, छोटा सा किचन है, तो मतलब किचन के हिसाब से हमारा फ्रिज का साइज इज़ टोटली परफेक्ट, बट जैसे ही फेस्टिवल्स आते हैं इसमें सामान इतना कंजेस्टेड हो जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब लिटरली जो कंजेस्टेड होता है ना वो किस लेवल का हो जाता है, ये देखो फ्रीज़र है, ठीक है, ये वाली स्लॉट में मैंने यहाँ पे दूध का पैकेट, दही का पैकेट ये भरा हुआ है, यहाँ पे क्रीम भी रखी है, यहाँ पे चटनी तीन चार तरह की, दही का डिब्बा एंड दो चार चीज़ें रखी हैं, इसमें केक रखा है ये, और फ्रूट्स रखे हैं थोड़े से कुछ, और ये दूध रखा है, ठीक है, अभी यहाँ पे वाटरमेलन रखा है, वरुण ले गए थे, यहाँ पे दही भल्ले रखे हैं, ये डोमिनोज पिज्ज़ा का बर्गर रखा है, लौकी रखी है, एंड इसमें पूरे में सब्जी फ्रूट्स एक टकाटक भर है, यहाँ पे ये पूरा सब्जी ब्रेड, ये देखो कौन छाछ मसाले, और यहाँ लग रही है मेरी मशीन रात के 1 बजे, थोड़े से ही कपड़े, चलो देखते हैं कोई जग रहा है कि हाँ लोग टहल रहे हैं, शायद आपको दिख रही होंगे वहाँ पे, ये देखो मैंने जूम कर दिया, देखो लोग टहल रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, आवाज़ अच्छा, पता है यहाँ पे भी टहल रहे हैं, इस वाली रो में भी टहलते हुए लोग, अरे ये भी है ना नीचे ही, तो मुझे कैमरे में ही दिखे हैं, ओ बहुत सारे लोग हैं, देखो वहाँ पे लोग बैठे भी हुए हैं, कहाँ पे, एक सेकंड, सब आउट ऑफ फोकस हो गया इतना जूम होने के बाद, तो पार्क में ना काफ़ी सारे लोग टहल रहे हैं,
काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, मतलब हैं 15-20 लोग तो हैं। मौसम ना अब गर्मी वाला आ गया है तो काफी सारे लोग टहल रहे हैं और मजा आ रहा है। ठंडक भी है बाहर, काफी ज्यादा ठंडक हो रही है, तो मैं थोड़ी देर बाहर ही खड़ी होंगी अभी। और मेहुल को भी अपने साथ ले जा रही हूँ खींच के, गेम खेल रहा है ना वो। चल चल भाई बाहर, मैं नहीं जा रहा। चल ना, तू गेम भी तो खेल रहा है, मैं मशीन लगा रही हूँ ना बाहर। चल आ जा। मैंने ना सब कुछ साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है, क्योंकि यार त्यौहार का टाइम है, कोई सुबह सुबह अगर आ गया तो सब कुछ क्लीन करके सो रही हूँ। वहाँ पे बस स्ट्रोलर रखा है, किचन भी बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन है, सब कुछ खाली कर दिया। ये थोड़े से बर्तन है जो मुझे कल करने हैं, एंड या बस ये रियांश की बॉटल्स हैं, बाकी सब बिल्कुल क्लीन साफ। मैंने गेट खोल दिया है ताकि थोड़ा सा वेंटिलेशन जो है, बाहर बहुत ठंडक हो रही है, अंदर बहुत गर्मी हो रही है, बट लाइट्स बंद कर देते हैं। और यहाँ पर रियांश और वरुण दोनों सो रहे हैं और मैं और मेहुल बाहर हैं, मशीन लगी है बाहर। लिटरली बहुत ठंडक हो रही है, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल है ना।